आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर चूरू जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र में अब तक की गई चुनावी तैयारी को लेकर मंगलवार को संभागीय आयुक्त मोहनलाल यादव ने जिला परिषद सभागार में मीटिंग ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में 100% मतदाता पंजीकरण किए जाएँ, इसलिए अधिकाधिक जागरूकता और प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर विभागीय कार्रवाई समय पर पूर्ण करें। हमारा ध्येय है कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपादित हो, सभी व्यवस्थाएं समुचित हो। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने संभागीय आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रति योजनाओं का जिले में समुचित क्रियान्वयन और प्रबंधन व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया। जिले में चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है, सभी प्रकोष्ठों का गठन कर लिया गया है, प्रकोष्ठ सदस्यों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा माकूल तैयारियां की गई है, सभी जो प्रकोष्ठ है उनका गठन हो चुका है और सारे अधिकारी इसमें तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी आगे की कार्रवाइयाँ समय पर पूरी कर ली जाएगी। सर किन मतदाता सूची का काम चल रहा है वो भी टाइम पर कर लिया जाएगा। किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? मतदान से रिलेटेड जो सभी पूरी तैयारियाँ होती हैं उसमें, चाहे मतदाता सूची हो, चाहे मतदान केंद्र हो, चाहे मटेरियल मैनेजमेंट हो, मैन पावर मैनेजमेंट हो, सब चीज़ों पे चर्चा होगी।